Hello everyone, welcome to Botany optional channel for UPSC examination. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, इट्स कॉल्ड सेल वॉल। आप जानते हैं कि हमने यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट कर दी है। हम सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक है, जो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन का एक यूनिट है, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, राइट? पिछले कुछ लेक्चर से हमने सेल बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बस फोकस करेंगे सेल वॉल पे। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है, वेरियस एस्पेक्ट्स जो है हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जो बॉटनी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन के नाम से है। ओके, टेलीग्राम चैनल पे अगर आप टेलीग्राम ऐप पे अगर आप जाओगे वहां पे, तो वहां पे आपको ऊपर सर्च विंडो दिख जाएगी। उस सर्च विंडो में अगर आप ये नाम टाइप करोगे तो आपको अपने आप वो चैनल मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल्स शेयर अ कैरेक्टरिस्टिक विद द बैक्टीरिया दैट इज नॉट शेयर्ड विद द एनिमल सेल, दैट इज द प्लांट हैव द सेल वॉल्स विच प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द प्लांट सेल। अब देखिए, जो प्लांट सेल होते हैं उस प्लांट सेल की बैक्टीरियल सेल के साथ कुछ सिमिलैरिटी है, जो उसके एनिमल सेल के साथ वो सिमिलैरिटी देखने को हमें नहीं मिलती। मतलब प्लांट सेल जो है उसके पास एक सेल वॉल होती है, वही अगर आप बैक्टीरियल सेल देखोगे तो उसके पास भी एक सेल वॉल होती है, लेकिन जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल के पास कोई सेल वॉल वहां पे नहीं होती है। ओके, तो ये ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक है सेल वॉल जो प्लांट सेल में हमें देखने को मिलता है, बैक्टीरियल सेल में हमें देखने को मिलता है, लेकिन वो एनिमल सेल में हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो डिफरेंट है फ्रॉम द प्लांट सेल वॉल, क्योंकि उनके केमिकल कंपोजिशन में बहुत डिफरेंस आता है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, वो मेनली पेप्टाइड और ग्लाइकॉन से बनी हुई होती है, लेकिन जो प्लांट की सेल वॉल्स होती है उसमें वेरियस टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं, लाइक सेलुलोज, देन हेमिसेलुलोज, देन पेक्टिन्स, लिग्निन्स, राइट, सुबेरिन, इस प्रकार के सारे केमिकल कंपाउंड्स उसमें होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि कौन सा सेल के बारे में हम प्लांट्स में बात कर रहे हैं। ओके, तो केमिकल कंपोजिशन जो है सेल वॉल का प्लांट सेल में वो डिफरेंट है देन दैट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। लेकिन एक बात कॉमन है दोनों में कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल दोनों में सेल वॉल हमें देखने को मिलती है, लेकिन यही सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में हमें देखने को नहीं मिलती है। ओके, सो दिस मेक्स प्लांट्स एंड एनिमल सेल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल सिमिलर विद द ईच अदर। ओके, वैसे उसका बेसिक फंक्शन प्रोटेक्शन करना है और सपोर्ट करना ही है सेल वॉल का। ऑलराइट, नाउ सी, ये जो सेल वॉल होती है ये नॉन लिविंग होती है और रिजिड होती है। ओके, जैसे हमने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये लिविंग मेम्ब्रेन होती है, राइट? तो आपको ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग थी, लेकिन जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। ओके, ये नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है। ओके, एंड इट्स अ रिजिड इन नेचर, काफी रिजिड होती है। ये भी कॉन्ट्रास्टिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए हमें हम उसे क्वेसी फ्लूइड नेचर बोलते हैं उसका, राइट? ये फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जो सेल वॉल होती है ये काफी रिजिड होती है। ओके, रिजिड होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कुछ भी नहीं होती है, इसलिए जो परफेक्ट शेप दिया जाता है सेल को थ्रू द सेल वॉल, ड्यू टू इस रिजिडिटी वो दे पाता है। तो सेल वॉल ऑन द वन हैंड बहुत रिजिड होती है, वाइल ऑन द अदर हैंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्वाइट फ्लेक्सिबल होती है, राइट? एंड विच इज कॉल्ड द सेल वॉल विच फॉर्म्स द आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, फंगा एंड प्लांट्स। तो जैसे हम बात कर रहे थे प्रीवियस स्लाइड में कि बैक्टीरिया में भी ये होती है आउटर बाउंड्री, प्लांट्स में भी होती है, एट द सेम टाइम जो किंगडम फंगा है, फंगाई में भी हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। ओके, लेकिन फंगाई की जो सेल वॉल है केमिकल कंपोजिशन वाइज वो मेनली जो है वो काइटिन से बनी होती है, तो वहां पे भी केमिकल कंपोजिशन का डिफरेंस है। तो आपको अगर बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में अगर आप बात करते हो तो केमिकल कंपोजिशन में पेप्टिडोग्लाइकोन आता है, अगर आप फंगल सेल वॉल की बात करते हो तो केमिकल कंपोजिशन में वहां पे काइटिन आता है, और अगर आप प्लांट सेल की बात करते हो तो वहां पे वेरियस कंपाउंड्स है लाइक सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन्स एक्सेट्रा, जो अभी हमने डिस्कस किया, राइट? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंटली आपको ये याद रखना है कि जो सेल वॉल है वो कैसा है, नॉन लिविंग होता है और काफी रिजिड होता है और प्रोटेक्शन का काम करता है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो इनसाइड आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा और बाहर से जो है यहाँ से ये आपको क्या दिखेगा, सेल वॉल दिखेगा। तो आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और मोस्टली प्रोटेक्शन का ये काम करती है वहां पे। और कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करना चाहो बैक्टीरिया की सेल वॉल, फंगस की सेल वॉल और प्लांट की सेल वॉल तो वैसे तीनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन तीनों में इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोजिशन का डिफरेंस है जो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इस पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ओके, कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया के सेल वॉल का कैसा है, प्लांट फंगस सेल वॉल का कैसा है और प्लांट सेल वॉल का कैसा है। तो इंपॉर्टेंटली आपने ये याद रखना है कि वो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी है, फंगल सेल वॉल काइटिन से बनी है और प्लांट की सेल वॉल वेरियस केमिकल कंपाउंड से वहां पे बनी है, राइट? ऑल थ्रू बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैव द सेल वॉल्स, प्लांट सेल वॉल्स आर केमिकली एंड स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल वॉल, जो अभी हमने डिस्कस किया कि केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से और स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो जो सेल वॉल बैक्टीरिया की होती है वो प्लांट सेल वॉल से बहुत डिफरेंट होती है। प्लांट सेल वॉल में डिफरेंट लेयर्स होते हैं और जो
बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, उसका केमिकल कंपोजिशन और उसके लेयर्स डिफरेंट होते हैं। तो आपस में ये जो दोनों क्या सेल वॉल से जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल्स एंड देयर स्ट्रक्चर दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। ऑलराइट, नाउ सी देयर आर थ्री लेयर्स फाउंड इन द प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल में मेजोरिटी हमें तीन लेयर्स देखने को मिलती है। सी पहली जो है वो है प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है दिस इज जनरली थिन, ये बहुत थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और एक्सटेंसिबल लेयर होती है विच इज फॉर्म वेन द सेल इज ग्रोइंग। देखिए जब सेल नया नया वहां पे क्रिएट हुआ है थ्रू द मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी ऑफ द एनी मेरिस्टेम्स, सी तो वहां से जो नया यंग सेल क्रिएट हुआ है तो यंग सेल में ये प्राइमरी सेल वॉल होती है। ओके तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये यंग सेल में होती है और जब सेल ग्रो हो रहा होता है तब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं कि ये थिन होती है सेल वॉल, फ्लेक्सिबल होती है स्टार्टिंग में। ओके और उसके बाद ये एक्सटेंड हो सकती है, एक्सटेंसिबल होती है, तो इसलिए इसमें ग्रोथ होने के लार्ज चांसेस रहते हैं। राइट, तो ये जो नया सेल यहाँ पे बना है, जो यंग सेल यहाँ पे बना है, वो थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है और एक्सटेंसिबल होता है ताकि उसमें ग्रोथ हो सके। क्योंकि जब सेल ग्रो हो रहा है तब ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये ऐसे मदद करती है कि ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी वो सेल को और ग्रो होने देती है। क्योंकि अगर सेल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो साइज में ग्रो कर सकता है, लेकिन अगर वंस वो एक बार रिजिड हो जाए तो रिजिड बनने के बाद वो फिर से ग्रोथ वहां पे अचीव नहीं कर सकता। इसलिए एट द बिगेनिंग जब सेल वॉल फॉर्म हो रही होती है सेल में तो पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है। और प्राइमरी सेल वॉल के क्या फायदे हैं, प्राइमरी सेल वॉल का ये फायदा है कि वो थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और एक्सटेंसिबल होती है, जिसकी वजह से ये जो प्राइमरी है, ये जो नया सेल बना है, ये जो यंग सेल यहाँ पे बना है, इस यंग सेल में ग्रोथ हो सकती है। ऑलराइट, नाउ देयर इज अ सेकेंडरी सेल वॉल, एक और सेल वॉल आती है उसके बाद इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल, और ये थिक होती है, ये थिक लेयर होती है एंड इट इज फॉर्म इनसाइड ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के इनसाइड में फॉर्म होती है आफ्टर द सेल इज फुल्ली ग्रोन। देखिए सेल जैसे जैसे मैच्योर होने लगता है तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है इस प्राइमरी सेल वॉल को सेकेंडरी सेल वॉल है ना रिप्लेस करने लगती है। क्योंकि ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है बीइंग थिन देन फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल वो ग्रोथ में काम करती है, और वंस एक बार ग्रोथ पूरी हो जाए और सेल वहां पे मैक्सिमम साइज अटेन कर ले और अगर वो मैच्योर हो जाए तो उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल की जो सेल को है वो जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके बाद जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो उसको रिप्लेस करती है, और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये कैसी होती है नेचर में, ये थिक होती है। ओके तो जो नेचर होता है सेकेंडरी सेल वॉल का वो थिक होता है, प्राइमरी सेल वॉल का थिन नेचर होता है, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल में वहां पे ग्रोथ होना बाकी रहता है। जब सेल मैच्योर हो जाता है ग्रोथ के बाद तो वहां पे थिक सेल वॉल वहां पे बनती है। ओके तो फुल्ली ग्रोन जो सेल होता है सेकेंडरी सेल सॉरी जो फुल्ली ग्रोन सेल होता है मैच्योर सेल, वो सेल सेकेंडरी सेल वॉल पजेस करता है, प्राइमरी सेल वॉल को वो रिप्लेस कर देता है। उसके बाद एक और लेयर होती है जो वहां पे प्रेजेंट होती है, उसका मिडल लैमेला। ओके ये लेयर रिच इन द पेक्टिन्स, इट्स आउटर मोस्ट लेयर एंड फॉर्म्स द इंटरफेस बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स एंड ग्लूज देम टुगेदर। देखिए जो मिडल लेयर होती है, जैसे हमने कहा कि प्राइमरी जो सेल वॉल होती है उसके इनर साइड में सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होती है, लेकिन जो सबसे आउटर मोस्ट साइड में होती है वो क्या होता है, मिडल लैमेला। अब ये जो मिडल लैमेला होता है ये पेक्टिन से बना होता है मेनली। ओके पेक्टिन से बना होता है और इसमें कैल्शियम पेक्टेट के भी ये होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो ये जो पेक्टिन से बनी हुई जो मिडल लैमेला है ये क्या करती है, ये जो लेयर है ये दो सेल्स के बीच में ग्लू की तरह काम करती है, मतलब दो सेल्स को वहां पे कनेक्ट रखने का काम जो है वो ये मिडल लैमेला करता है। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट होगा। ओके कि जो ग्लू का काम करता है, दो सेल्स को जोड़ने का जो काम करता है, और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं, तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स को जोड़ने का काम करता है वहां पे किसी ग्लू की तरह वो काम करता है, ये कौन करता है, तो वहां पे वो है मिडल लैमेला। ओके जब यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में जब सेल वॉल पे कमेंट करने के लिए कहा जाएगा तब आपको ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो वहां पे ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में वो कंप्लीट आंसर रिस्पेक्ट करते हैं और वहां पे जो मेन ये जो होता है कंटेंट होता है वो प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लैमेला उसमें इंक्लूड होना ही चाहिए, विदाउट इट वहां पे स्ट्रक्चर हम सेल वॉल का बता नहीं पाएंगे। ओके तो वहां पे प्राइमरी सेल वॉल कब होती है, देन सेकेंडरी कब आती है, और उसके बाद जो मिडल लैमेला है वो मेनली कौन सा काम करता है, ये आपको सब याद रखना है। ओके तो मिडल लैमेला जो है वो एडजेसेंट सेल को ज्वाइन करने का काम करता है, किसी ग्लू के तरह वो काम करता है, सेल को ऐसे पकड़ के रखता है। ओके और ये जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है जो इंटरफेस फॉर्म करती है एडजेसेंट सेल के साथ, मतलब सेल टू सेल का जो कॉन्टेक्ट है वो है मिडल लैमेला के थ्रू। द अल्गी हैव द सेल वॉल मेड अप ऑफ द सेलुलोज गैलेक्टन्स एंड मैनन्स। देखिए उसके बाद मिनरल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जैसे। देखिए जब भी हम अल्गी की बात करते हैं तो अल्गी की सेल वॉल और जो रेस्ट ऑफ द प्लांट किंगडम है, बाकी बचा हुआ प्लांट किंगडम जो है उनकी सेल वॉल ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जो अल्गीज होती है मोस्टली इनका एक्वेटिक हैबिटेट होता है। राइट,
एक्वेटिक हैबिटेट होने की वजह से उनके सेल वॉल का कंपोजिशन थोड़ा सा यूनिक होता है, ओके। बाकी जो प्लांट किंगडम में सेल वॉल देखी जाती है उनका सबका एक जैसा वहां पे हमें केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलता है, लेकिन अल्गी थोड़ा सा डिफर करता है ड्यू टू इट्स एक्वेटिक हैबिटेट। उसका जो एक्वेटिक हैबिटेट है उसकी वजह से उसका सेल वॉल का कंपोजिशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि उसकी सेल वॉल जो बनी है वो बनी है सेलुलोज से, ओके। सेलुलोज उसमें होता है, उसके बाद उसमें गैलेक्टन्स होता है, ओके, नाम याद रखने हैं आपने, उसमें गैलेक्टन्स होता है और उसके साथ साथ उसमें मैनन्स होता है। तो ये जो केमिकल कंपाउंड्स है इससे अल्गी का सेल वॉल बना है, प्लस उसमें मिनरल्स होते हैं लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे वहां पे मिनरल्स भी वहां पे होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको मिडल लैमेला दिख रहा है, राइट। नाउ सी व्हाइल इन सम अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन्स एंड विद दैट ऑफ प्रोटीन्स। तो जो जनरल जो सेल वॉल बनी होती है वो हमेशा ही सेलुलोज और उसके बाद हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से वो बनी होती है, ओके। सेलुलोज हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से, वो टिपिकल है प्लांट्स में कि ये सेलुलोज और हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से उनकी सेल वॉल जो है वो बनी होती है। बस अल्गी में ही थोड़ा सा डिफरेंस है जिसमें आपको याद रखना पड़ता है कि सेलुलोज गैलेक्टन्स और मैनन्स ये तीन केमिकल कंपाउंड्स वहाँ पे, और एक मिनरल है विच इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट जिस वजह से उसका पूरा सेल वॉल बना है, ओके। तो लेकिन जो रेस्ट ऑफ द प्लांट वर्ल्ड है उसमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम जो वहां पे जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो होता है सेलुलोज हेमी सेलुलोज और पेक्टिन, इन तीनों से ही वो सेल वॉल वहां पे बना हुआ रहता है। उसके साथ साथ कुछ वहां पे प्रोटीन्स भी होते हैं उनके सेल वॉल में, ऑलराइट। सो अल्गी और जो बाकी प्लांट किंगडम का सेल वॉल है उसमें जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस बोला जा रहा है ये आपको याद रखना है, ओके। नाउ ऑफन द अदर पॉलीमर सच एज द लिग्निन सुबेरिन एंड क्यूटीन आर एनकोरेज टू और एम्बेडेड इन द प्लांट सेल वॉल। देखिए आपको याद होगा कि लिग्निन ये जो केमिकल कंपाउंड होता है ये जो सेल वॉल है उसकी रिजिडिटी को बढ़ाता है, ओके। तो कभी अगर प्लांट सेल में कुछ ऐसे सेल अगर चाहिए कि जहाँ पे मतलब टोटल रिजिडिटी चाहिए, वहां पे टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर सेल को बढ़ानी है, अगर उस सेल पे कोई प्रेशर आता है और उस सेल को प्रेशर वो टॉलरेट करने का वहां पे पावर होना चाहिए, तो उस समय वहां पे लिग्निन का डिपोजिशन किया जाता है। जैसे आपने देखा है कि झाइलम में जो ट्रचिड्स होते हैं, झाइलम में जो ट्रचिड्स के सेल्स होते हैं ये वाटर कंडक्शन का काम करते हैं, राइट। जब ये वाटर कंडक्शन का काम कर रहे होते हैं तब इस सेल्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ टेंशन क्रिएट होता है ड्यूरिंग द वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इन सेल की सेल वॉल्स में लिग्निन डिपॉजिटेड होता है, ओके। और लिग्निन डिपॉजिटेड होने की वजह से ये जो सेल है इनमें ये कैपेसिटी आ जाती है कि वो मैक्सिमम जो वहां पे टेंशन क्रिएट हो रहा है ड्यू टू द वाटर ट्रांसपोर्ट वो उसको टॉलरेट कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके साथ साथ आपने सुबेरिन बिल्कुल सुना होगा, ये जो सुबेरिन है ये एंडोडर्मिस में डिपॉजिटेड रहता है, ओके। और जब ये एंडोडर्मिस में डिपॉजिटेड रहता है तब वो वहां पे क्या करता है, उसे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोला जाता है, राइट। तो ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वहां पे बनती है वो वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है प्लांट्स में, सिम्प्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। तो वहां पे भी जो एंडोडर्मिस के सेल्स होती है उसकी सेल वॉल में सुबेरिन का डिपोजिशन होने की वजह से वहां पे प्रॉपर ट्रांसपोर्ट हो पाता है वाटर का थ्रू आउट दी प्लांट्स, ओके। उसके बाद क्यूटीन भी आपने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि क्यूटीन जो होती है वो इपिडर्मिस के ऊपर जो क्यूटिकल होती है, ओके, आपने हर बार सुना होगा जेरोफाइटिक प्लांट में उनकी जो इपिडर्मिस होती है उसके ऊपर एक थिक क्यूटिकल होती है। अब ये क्यूटिकल क्या करती है, ये क्यूटिकल काम करती है वहां पे वाटर लॉस को रोकने का, मतलब वहां से वाटर लॉस वो होने नहीं देती। तो ये जो क्यूटिकल है ये क्यूटीन से बनी होती है, और जो इपिडर्मिस के सेल्स होते हैं बाहर से ऐसे, एक इपिडर्मिस का लेयर होता है उस पे ये डिपॉजिटेड रहती है, ओके। और ये जो क्यूटीन जब इनके सेल वॉल में डिपॉजिट होता है तो यहाँ पे एक थिक क्यूटिकल बनती है जिस वजह से वाटर लॉस वहां पे होना बंद हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि प्लांट्स में वेरिड नंबर्स ऑफ ऑप्शंस है कि वो अपने सेल वॉल में कुछ केमिकल कंपाउंड वहां पे डिपॉजिट कर लेते हैं और उस वजह से उनका जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग प्लांट्स में चलता है। जैसे सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन्स, ये तो नॉर्मल इंग्रेडिएंट सही है सेल वॉल के, लेकिन उसके साथ साथ वो वहाँ सेल वॉल में और क्या क्या ऐड कर सकता है, लाइक कंपाउंड लाइक लिग्निन जैसे हमें ट्रचिड में देखने को मिलते हैं, सुबेरिन जैसे हमें वो एंडोडर्मिस में देखने को मिलते हैं जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं, उसके बाद में क्यूटीन डिपॉजिट होता है क्यूटिकल में इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वाटर लॉस, वाटर लॉस को रोकने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि प्लांट्स में वेरियस एडेप्टेबिलिटी है, लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटीन जैसे केमिकल कंपाउंड वो अपने सेल वॉल में डिपॉजिट करता है जिस वजह से वो सेल जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग वहां पे कर पाते हैं, ऑलराइट। नाउ सी दी मिडल लैमेला जो है इज अ लेयर ऑफ द कैल्शियम पेक्टेट, जो कैल्शियम पेक्टेट से बनी है, विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स जो अभी हमने देखा, राइट। द सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला मे ट्रेवर्स बाय द प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। देखिए प्लाज्मोडेस्माटा ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो दो सेल्स के साइटोप्लाज्म होता है, दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को जो जोड़ने वाला जो कनेक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये सेल वॉल और मिडल लैमेला को क्रॉस करके ही वहां से मतलब एक सेल से दूसरे सेल में वो जा रहा होता है, मतलब जो उसका पाथ है जहाँ से वो ट्रेवल करता है, जहाँ से वो ट्रेवर्स करता है, वो जाता है थ्रू द मिडल लैमेला एंड द सेकेंडरी सेल वॉल,
Okay, so secondary cell wall and the middle lamella through which the plasmodesmata connects the cytoplasm of the two neighboring cells. दो neighboring cells के बीच में जो plasmodesmata होता है, जो connection होता है cytoplasm का, उसको वो जाता है through the middle lamella and the cell wall. और यहाँ पे एक important बात यह है जो आपको note down करके रखनी है कि middle lamella का जो chemical composition होता है उसमें calcium peptide भी होता है. Okay, देखिए जब हम ये lecture conduct कर रहे हैं तो आप UPSC examination point of view है ना, notes बनाते चलिए, क्योंकि वहाँ पे बस cell wall पूछा जा सकता है, प्लांट का सेल वॉल पूछा जा सकता है, बैक्टीरिया का पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है वो कभी आपको फंगस का भी सेल वॉल पूछ ले. ओके, तो आपको पास केमिकल कंपोजिशन हर किसी का होना चाहिए और हर किसी का फंक्शन वहां पे आपके पास होना चाहिए इन ऑर्डर टू नॉट लूज द मार्क्स. ओके, ऑल्दो वहां पे ऑप्शंस आपको बहुत सारे दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि उनका आंसर हमें परफेक्ट आना चाहिए. तो इसीलिए यहाँ पे जो ये है नोट्स लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऑलराइट, तो देखिए ये जो सेल वॉल होता है वो फंक्शन क्या करता है, ये सेल को है ना शेप प्रोवाइड करता है. मतलब जो सेल होता है प्लांट का उसमें जो प्रॉपर एक शेप होता है और वो शेप चेंज नहीं होता, ये जो शेप होता है इट इज ड्यू टू द रिजिड सेल वॉल. ये सेल वॉल की वजह से इसको एक प्रॉपर शेप आता है. तो आप इस सेल को ये जो प्रॉपर शेप में देख पा रहे हो, ये जो शेप है ये क्रिएट हुआ है ड्यू टू द सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल में सेकेंडरी सेल वॉल में बहुत रिजिडिटी होती है और इस रिजिडिटी की वजह से वो है जो सेल है वो अपने जो नॉर्मल जो उसका शेप है उस शेप में ही वो बना रहता है. ऑलराइट, नाउ सी इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन. उसके साथ साथ जो कोई मैकेनिकल डैमेज होता है, जो कुछ फिजिकल डैमेज वहां पे होने वाला होता है, तो पहली जो प्रोटेक्शन की लेयर है वहां पे कौन सी है, सेल वॉल की ही है. तो शेप तो वो प्रोवाइड करता ही है इंपॉर्टेंट, दूसरा जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है फ्रॉम द फिजिकल इंजुरी, मैकेनिकल इंजुरी, और वो इन्फेक्शन से भी बचाता है, क्योंकि इन्फेक्शन जब सेल को होने वाला होता है तो सबसे पहले वो इन्फेक्शन जो है वो सेल वॉल के ही कॉन्टेक्ट में आता है और सेल वॉल ड्यू टू इट्स रिजिडिटी उसको रोकने की कैपेबिलिटी रखता है. ओके, नाउ सेल टू सेल जो इंटरेक्शन होता है, जैसे हमने कहा कि प्लाज्मोडेस्माटा जो है सेल टू सेल जो कॉन्टैक्ट होता है वो सेल वॉल से ही गुजरता है, सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल एंड इट ऑल्सो एक्ट एज ए बैरियर. ओके, जो बाहर से कोई अगर कोई मैक्रो मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर करने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो वहां पे वो बैरियर का भी वहां पे काम करता है. तो देखिए प्लाज्मा जो सेल वॉल है प्लांट सेल में वो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करती है. वेरियस फंक्शंस लाइक कि वो सेल को शेप प्रोवाइड करती है, उसके बाद सेल को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, इन्फेक्शन होने नहीं देती है, प्लाज्मोडेस्माटिक के कनेक्शंस करवाती है, और उसके बाद वो बैरियर का भी प्लांट सेल में काम करती है. ऑलराइट, सो दीज आर ऑल दी फंक्शंस ऑफ दी सेल वॉल. तो पहले हमने जब बिगिनिंग में देखा तो हमने इंट्रो देखा कि सेल वॉल कैसी होती है, क्या होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल में, फंगल सेल वॉल में, और प्लांट सेल वॉल कैसे डिफर करती है. और उसके बाद जो हमने देखा कि स्ट्रक्चर कैसा है इस सेल वॉल का, जहाँ में प्राइमरी सेकेंडरी और जो मिडल लैमेला है वो तीन लेयर हमने सेल की देखी. उसके बाद फाइनली हमने फंक्शन डिस्कस किए. तो इतना कंटेंट अगर आप यूपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन में लिखते हो तो वहां पे आपको श्योरली जो है कंप्लीट मार्क्स आपको मिल सकते हैं. ऑलराइट, ओके, तो यह था सब कुछ सेल वॉल के बारे में. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.